इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ईसीडी नंबर 3974, क्लैरिफाइड ऑन 13/5/2022। आज का प्रातः क्लास है 19 अक्टूबर 1965। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 19th October 1965। रिकॉर्ड चला है, आखिर वो दिन आया आज। द रिकॉर्ड प्लेड इज फाइनली दैट डे हैज अराइव टुडे। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे गरीब निवाज बाप को जान चुके हैं। चिल्ड्रन हैव रिकॉग्नाइज्ड द गरीब निवाज फादर। गरीब निवाज मीन्स काइंड टू द पुअर। और बाप की याद में बैठे रहते हैं। एंड दे कीप सिटिंग इन द फादर्स रिमेम्बरेंस। भले ही आंखों से किसको देखें, कर्म इंद्रियों से कर्म भी करें, परंतु गाया जाता है हाथों से कर्म करते रहो, दिल मासू की तरफ लगाते रहो। ऑल्दो यू सी समवन थ्रू दीज आईज, परफॉर्म एक्शंस थ्रू द कर्मेंद्रिया, इट इज सेड कीप परफॉर्मिंग एक्शंस थ्रू द हैंड्स एंड लेट योर हार्ट बी विद द बिलेवेड वन। ब्राह्मण कुलभूषण जानते हैं, उनसे ही बाप बात करते हैं। द ब्राह्मण कुलभूषण नो दैट द फादर स्पीक्स ओनली टू देम। कुलभूषण मीन्स द बेस्ट ज्वेल्स ऑफ द क्लैन। क्या आधा कल्प तुमने बाप को याद किया। ही सेज यू हैव रिमेम्बर्ड द फादर फॉर हाफ द साइकिल। बरोबर, सभी दुख में बाप को स्मरण करते हैं ना। ट्रूली एवरीवन रिमेम्बर्स द फादर इन सोरो, डोंट दे। ड्रामा अनुसार अब तुमको बाप की स्मृति आई है। Now you have become aware of the father according to the drama. सारी दुनिया तो विस्मृति में है। The entire world has certainly forgotten him. बाप और बाप की रचना को, बाप के पतित को पावन करने व सर्व की सदगति करने की कर्तव्य को नहीं जानते। They neither know the father nor his creation. They neither know his task of making the impure ones pure, nor the task of bringing about the true liberation of everyone. तुमको कितनी स्मृति आई है। You have gained so much awareness. पहले कितनी विस्मृति थी। You were so forgetful earlier. तो रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को अभी जानते हो। Now you know the beginning, middle and end of the creator and the creation. तुमको स्मृति आई है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। You have gained the awareness how the world cycle rotates. हम 84 का चक्कर कैसे लगाते हैं। How we pass through the cycle of 84 births. जिन्होंने पूरा ही सतयुग की आदि से लेकर कलयुग अंत तक पार्ट बजाया है, वो ही अब भी बजाएंगे। Those who have played the complete part from the beginning of the golden age till the end of the iron age, they themselves will play it now too. सतयुग से लेकर के कलयुग तक जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए। You kept degrading from the golden age till the iron age by continuously having births. अब कलयुग के अंत में तुम्हारी चढ़ती कला है। नाउ यू हैव द स्टेज ऑफ असेंडिंग सेलेस्टियल डिग्रीज इन द एंड ऑफ द आयरन एज। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। इट इज सेड इजंट इट, चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, दैट इज एवरीवन बेनिफिट्स थ्रू यू व्हेन यू आर इन द स्टेज ऑफ असेंडिंग सेलेस्टियल डिग्रीज। तो सारी स्मृति आई है, इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। सो यू हैव बिकम अवेयर ऑफ एवरीथिंग, इट इज कॉल्ड बीइंग स्मृति लब्धा, दैट इज रिगेनिंग द अवेयरनेस ऑफ द सेल्फ। किस द्वारा स्मृति आई है। बाप द्वारा। थ्रू हूम हैव यू रिगेन्ड द अवेयरनेस। थ्रू द फादर। अपने आप कोई स्मृति नहीं आई है। यू डिडंट रिगेन इट बाय योरसेल्फ। अभी जानते हो हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा की संतान हैं।
Now you know we are souls, the children of the Supreme Father, Supreme Soul. ये शरीर तो लौकिक बाप ने दिया है। It is the लौकिक father who has given us this body. अब पारलौकिक बाप कहते हैं ये पुराने शरीर का भान छोड़ो। Now the पारलौकिक father says, leave the consciousness of the old body. ज्ञान से अपनी बुद्धि शरीर में रहते भान छोड़ना है। Through the knowledge, you have to leave body consciousness through your intellect while being alive. यह भी समझते हैं। You understand it now. जैसे सर्प खल छोड़ता है और नहीं लेता है। Just like a snake leaves the old skin and takes on the new one. सर्प कोई एक बार खल नहीं छोड़ता है। It doesn't leave it just once. परंतु शुरू से लेकर के जितनी आय होती है तब तक खल छोड़ता है और नहीं लेता है। From the start and throughout its lifetime, it leaves one skin and takes on a new one. तो ये बात अभी से नहीं लगती, सतयुग से लगती है। So, this concept isn't applicable now. It is applicable from the golden age. तो तुम भी सतयुग से लेकर पहली खल छोड़ना शुरू करेंगे। You will also start leaving your skin, that is body, for the first time from the golden age. अभी तो अंतिम जन्म है। Now it is certainly the last birth. बाप कहते हैं बाकी थोड़ा समय है। The father says, little time is left now. तुमको धैर्य मिला है। You have been consoled. तुम खुशी में हो कि हम फिर से बाप द्वारा सुख का वर्षा पा रहे हैं। You are feeling happy, thinking we are receiving the inheritance of happiness through the father again. सुख का वर्षा तो बाप द्वारा ही मिलेगा ना। You will receive the inheritance of happiness only through the father, won't you? ये बातें कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं आती है। These points don't come in anyone's intellect. ऐसे नहीं है कि वो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो उनको बुद्धि में कोई रहेगा, ये आएगा कि ये कौन है। नहीं, वो तो भक्ति मार्ग है। It isn't that when they go to the temple of Lakshmi Narayan, it will come to their intellect, who are they? No, it is in fact the path of bhakti. सिर्फ जाकर के हाथ जोड़ देते हैं। They just join their hands after going there. और कहते रहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। And they keep saying, त्वमेव माता च पिता त्वमेव. That is, you alone are the mother and the father. जिसे भी देवता के पास जाएंगे सबको कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। They will say त्वमेव माता च पिता त्वमेव going in front of any deity. शिव के मंदिर में भी कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। They will say त्वमेव माता च पिता त्वमेव in the temple of Shiva as well. शिव तो सबसे बड़ा ठहरा। Shiva is in fact the highest. शिव बाबा है तो और कोई को मात पिता कह न सके। When there is Shiv Baba, you can't call anyone else mother and father. Baba Bhagwan भी है। Baba is Bhagwan, that is the owner of the garden as well. क्योंकि नए देवी बगीचे का sampling लगाते हैं। It is because he plants the saplings of the new divine garden. तो खुद ही माली भी ठहरा और हाथ पकड़ साथ ले जाते हैं। He himself is the gardener as well, and he takes us along holding our hand. तो बाबा बागवान कैसे है, माली कैसे है, खिवैया कैसे है? So, how is Baba Bhagwan, the gardener, the boatman? ये सब तुम जानते हो। You know all this. 1910-1965 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। Third page of the morning class dated 1910-1965. ये सब उनके नाम हैं। All these are his names.
उनको ही लिबरेटर भी कहते हैं। He himself is called the liberator as well. तो याद भी उसको ही करना है। So you have to remember only him. बाबा कहते हैं ना। बाबा says, doesn't he? गोद में आते हो तो शिव बाबा को याद करके आएंगे। When you come on his lap, you will come after remembering Shiv Baba. ऐसे नहीं ब्रह्मा को याद करो। It shouldn't be that you remember Brahma. नहीं, हमने तो शिव बाबा को अपना बनाया है। No, we have made Shiv Baba our own. ब्रह्मा ने भी उनको अपना बनाया है। Brahma has also made him his own. तो हम उनको ही क्यों ना याद करें? So, why not remember only him? चित्र में दिखाया है ना, सभी शिव को मानते हैं। It has been shown in the picture, hasn't it? Everyone believes in Shiv. बाबा आत्माओं से बात करते हैं। बाबा speaks to the souls. आत्मा न कहे, जीवात्मा कहेंगे। It won't be said just souls, but living souls. क्योंकि जब आत्मा अकेली है तो बोल नहीं सकती। It is because when the soul is alone, it can't speak. शरीर बगैर आत्मा आत्मा से बात नहीं कर सकती। It can't speak to another soul without the body. परमधाम में क्या परमात्मा आत्मा से बात करेंगे क्या? Will the supreme soul speak to the soul in the supreme abode? नहीं। No. बल करके कह देते हैं क्राइस्ट को परमात्मा ने भेजा। Although they say that the supreme soul sent Christ. परंतु वहां पर परमात्मा कोई बोलता नहीं है। He doesn't speak there. वहां इशारा भी नहीं होता है। There aren't indications there either. ड्रामानुसार आत्मा नीचे आ जाती है। The souls descend according to the drama. आत्मा में पार्ट तो भरा हुआ है ना? The part is certainly recorded in the soul, isn't it? तो आत्मा आए शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। So the soul comes, takes on a body and plays the part. शरीर का नाम तो सबका अलग है। Everyone's body certainly has a different name. आत्मा का नाम तो आत्मा है। The name of the soul is just a soul. हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेकर के पार्ट बजाते। We souls leave one body and take on another and play our part. अब तुमको स्मृति आई है और खुशी होती है। Now you have gained this awareness and you feel happy. क्योंकि पुरानी दुनिया में पुराना पार्ट। It is because you play an old part in the old world. अभी पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाना है। Now you have to leave the old body and go to the new world. ये शरीर हमको मिलना है। We are going to receive this body. तो उससे मतलब निकलता है। Then you use it. अभी पांच विकारों को छोड़ना है तो कितनी मुश्किलात होती है। Now you have to leave the five vices. So it is so difficult. देखो लिखते हैं ना काम का क्रोध का तूफान आता है। Look, they write, the storm of lust, anger comes. बाबा कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण। Baba says, doesn't he? Donate the five vices, then the eclipse will recede. इस समय आत्मा पर माया का ग्रहण लगा है। There is the eclipse of Maya on the soul at this time. पहले तुम सोलह कला संपूर्ण थे, अब नौ कला। Earlier you were those complete with 16 celestial degrees. Now you have no celestial degrees. जैसे चंद्रमा भी पूर्णमासी के बाद धीरे धीरे कला कम हो जाती है। For example, the celestial degrees of the moon decrease gradually after Purnamasi, that is the day of the full moon. अंत में जरा सी लीक रह जाती है।
ओनली अ स्मॉल परसेंट इज लेफ्ट इन द एंड। और कभी कभी तो सारा काला हो जाता है। एंड समटाइम्स इट बिकम्स फुली डार्क। तुम्हारी भी अब वो ही अवस्था है। यू टू हैव द सेम स्टेज नाउ। बाबा कहते हैं कि दे दान तो छूटेगा। बाबा सेज डोनेट द 5 bases देन द एक्लिप्स विल रिसीड। अगर विकारों का दान देकर फिर वापस लिया तो ऊंचे वो तो पाए न सकेंगे। इफ यू डोनेट पाइसिस एंड टेक देम बैक यू कांट अटेन अ हाई पोजिशन। ये विकारों की बातें हैं, पैसे की बात नहीं है। इट इज ओनली अबाउट पाइसिस नॉट मनी। सन्यासी तो हरिश्चंद्र का मिसाल देते हैं। द सन्यासी इज गिव द एग्जाम्पल ऑफ हरिश्चंद्र। कि धन दान दे करके वापस नहीं लेना चाहिए। यू शुडंट टेक वेल्थ बैक आफ्टर डोनेटिंग इट। क्योंकि इस बात में उनकी कमाई है। इट इज बिकॉज दे मेक एन अर्निंग थ्रू इट। वास्तव में है विकारों की बात कि दान दे करके वापस नहीं लेना चाहिए। Actually, it is about vices that you shouldn't take them back after donating them. अपने दिल अंदर देखते रहो। You should keep checking your heart. कि हमारी दिल बाप से लगी है। Have I set my heart on the father? जिस दिल लगी से हमारा जन्म जन्मांतर का ग्रहण छूटता है। Our eclipse of many births recedes when we set our heart on him. हाँ, समय तो लगता ही है। Yes, it does take time. अब एकदम तो नहीं छूटता है। Well, it doesn't recede at once. जो कर्म भोग रहा हुआ है उसे की निशानी बीमारी आती है। The indication of the karmic sufferings that are left in us is that we have diseases. कारण? What is its reason? कि पूरा योग नहीं है। We don't have complete योग with the father. हाँ, बाप कहते हैं कि और संग तोड़ मेरे संग जोड़। Yes, the father says, leave the company of the others and take my company. और सत्संग में तो महासुख को जानते ही नहीं है। They don't know the beloved one in other religious gatherings at all. ना ही आत्मा को जानते हैं। They don't know the soul either. ये नहीं जानते कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नुदा हुआ है। They don't know that the imperishable part of 84 births is recorded in the soul. ये और कोई की बुद्धि में नहीं है। It isn't present in anyone else's intellect. हमारी बुद्धि में नहीं था। इट वॉजेंट इन माई इंटेलेक्ट ईदर। औरों की बुद्धि में कैसे होगा? देन हाउ विल इट बी इन अदर्स इंटेलेक्ट। जो हम देवता घराने के थे वो ही नहीं जानते। बी हु बिलोंग टू द डेटी क्लैन देमसेल्व्स डिडंट नो इट। अभी तुमको स्मृति आई है। नाउ यू हैव गेन्ड द अवेयरनेस। स्मृति आई है कि हमारा ब्राह्मण तन है। यू हैव बिकम अवेयर दैट यू हैव अ ब्राह्मण बॉडी। फिर सतयुग में तो प्रारब्ध शुरू हो जाती है। देन यू स्टार्ट रिसीविंग द अटेनमेंट्स इन द गोल्डन एज। फिर जो जो कर्म हर एक ने सतयुग में किए थे वो ही फिर रिपीट करेंगे। देन वॉट एवर एक्शंस एवरीवन परफॉर्मड इन द गोल्डन एज दे विल रिपीट दोज वेरी एक्शंस। संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। द संस्कार्स विल कीप इमर्जिंग। ये जब बाप की महिमा करते हैं ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर, तो हम भी प्रेम सीख रहे हैं। वी प्रेज द फादर सेइंग ही इज द ओशन ऑफ नॉलेज, द ओशन ऑफ हैप्पीनेस, द ओशन ऑफ पीस, द ओशन ऑफ लव, सो वी टू आर लर्निंग टू लव अदर्स। तो हमारे मुख से कोई ऐसा शब्द नहीं निकलना है जो किसी को दुख हो। नो सच वर्ड शुड कम आउट ऑफ अवर माउथ सो दैट समवन फील्स सोरोफुल। अगर कोई को दुख दिया तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर भूत है। इफ यू गिव सोरो टू समवन यू शुड थिंक
आई हैव अ गोस्ट इन मी। तो लक्ष्मी को बरा नहीं सकेंगे। देन यू कांट मैरी लक्ष्मी। बाप के बने हैं तो लक्ष्मी को वरने लायक बनना चाहिए ना। When you have belonged to the father, you should become worthy of being marrying Lakshmi, shouldn't you? अगर भूत कोई रह गया तो त्रेता में चले जाएंगे। If any ghost is left in you, you will go to the silver age. बच्चों में क्रोध नहीं होना चाहिए। Children shouldn't have anger. बड़ा प्यार से चलना चाहिए। They should behave very lovingly. तो देखो बाबा के कितने बच्चे हैं। Look, Baba has so many children. तो भी बाबा क्रोध थोड़े ही करते हैं। Still, he doesn't get angry. तो तुमको भी बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। So, you should also become an embodiment of great love. अभी कोई भी प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। Now, no one has become the embodiment of love. जो खुद गद्दी पर बैठे औरों को प्रेम स्वरूप बनाते हैं वो भी प्रेम स्वरूप नहीं बने। Those who themselves sit on the feet and make others the embodiment of love, even they haven't become that. रिपोर्टें आती है ना। The reports come to Baba, don't they? तो वो भी समझ जाते हैं कि इनमें भूत हैं। So, he too understands that they have ghosts in them. जिनमें खुद भूत हैं वो औरों को ये भूत क्या निकालेंगे। Those who themselves have ghosts, how will they remove others' ghosts? तो बड़ा प्रेम स्वरूप बनना है। So, you should become an embodiment of great love. देवता है प्रेम स्वरूप है ना। Deities are the embodiment of love, aren't they? देखो लक्ष्मी नारायण का चित्र कितना खींचता है। Look, the picture of Lakshmi Narayan attracts you so much. तो हमको ऐसा ही बनना है। So, we have to become just like them. और यहाँ ही बनना है। And we have to become that here itself. तुमसे पति क्रोध करता है तो भी प्रेम से बात करनी है। Even if your husband is angry with you, you have to speak to him lovingly. ये नहीं कि उसे में भूत है तो मुझ में भी आ जावे। नहीं। It shouldn't be that if there is a ghost in him, it should come even in you. No. मेरे में जो अवगुण है कैसे भी करके अवगुण निकालना पड़े। You have to remove the bad traits that you have at any cost. बहुत बहुत मीठा बनना है। You have to become very sweet. किसी ने कहा कि लौकिक बाप गुस्सा करता है। Someone said, my लौकिक father gets angry. तो मैंने कहा कि जब वो क्रोध करता है तो तुम अच्छे अच्छे फूल लेकर के उनके ऊपर चढ़ाओ तो वो बंदर खा लेंगे। So I said, when he gets angry, offer nice flowers to him. Then he will be astonished. ठंडा हो जाएगा। He will cool down. बड़ी युक्ति से समझाना है कि देखो लड़ाई लग रही है। You have to explain to him very tactfully. Look, the war is going on. Om Shanti. Om Shanti.